सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, जहां देश के अंदर लगातार अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना जमीर हमेशा बेच कर रखते हैं, या मैं ये कहूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं होता। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सभी साथियों से, जो साथी मुझे देख पा रहे हैं, उनसे आग्रह कर दूं कि आज का विशेष लाइव किसी विशेष मुद्दे को लेकर की है। आज सुबह से ही गूगल से लेकर सोशल मीडिया पर एक सूचना फ्लैश हो रही है, उसी के चलते ही ये आज का विशेष लाइव है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। वह उन सभी साथियों को नमन जो शोषण की इस लड़ाई में आज हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन बहनों को, माताओं को नमन जिन्होंने अपने भाई इस आंदोलन के लिए दिए हैं, जिन्होंने अपने बेटे इस आंदोलन के लिए दिए हैं, और वो बहनें, वो माताएं जो हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती हैं, जिनके कारण आज भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी का वजूद है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का वजूद है, उन सभी साथियों को नमन, क्रांतिकारी सलूट, जय भीम, नीला सलाम। साथियों, जैसे मैं पहले से आपको बता रहा था कि आज का विशेष लाइव जो है, सुबह से घटना फ्लैश हो रही है। सबसे पहले मैं आपका प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर काम कर रहे थे, दलित आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उस समय भी उस समय की मौजूदा सरकारों ने या मौजूदा मनवादी व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया था, जिससे कि बाबा साहब जो काम करना चाहते हैं उसको ना कर सके। उसी प्रकार आंदोलन चला, उससे पहले फुले साहब का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया गया। मान्यवर साहब काशीराम साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब साहब काशीराम साहब काम कर रहे थे पूरी ईमानदारी अपने सिद्धांतों पर, फूले साहब अंबेडकरी विचारधारा के सिद्धांतों पर काम कर रहे थे, उस समय भी साहब काशीराम साहब को तोड़ने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ, अनेक संगठनों का निर्माण हुआ, और ना जाने साहब काशीराम साहब को गलत सलत क्या क्या बोला गया। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। साहब काशीराम साहब का जो अधूरा सपना था, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का जो अधूरा सपना था, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, और सिद्धांतिक तौर पर ना रुके, ना बिके, ना झुके, सिर्फ अम्बेडकराइट विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। आज सुबह से ही गूगल पर एक सूचना फ्लैश हो रही है। मेरा तमाम साथी से पुनः निवेदन है, जो साथी देख पा रहे हैं, साथियों लाइव जरूर करें, क्योंकि नेशनल मीडिया तो हमारा नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया ही हमारे पास एक साधन है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और समाज के बीच पहुंचाने का। तो निवेदन है कि सब साथी शेयर कर दें। मैं बता रहा था भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे सिद्धांतिक तौर पर लगातार काम कर रहे हैं, तो आज जब बहुत सारे लोग आमने सामने आकर उनका विरोध नहीं कर पाते हैं, उनके काम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, भीम आर्मी टीम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो अनर्गलर षड्यंत्र फैलाए जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा गूगल से एक मैसेज, मुझे मेरे साथियों ने व्हाट्सअप किया, उसमें लिखा हुआ था कि भीम आर्मी किसी अन्य पार्टी को समर्थन कर रही है। जिस पार्टी का नाम भी लिखा था, उस पार्टी का नाम भी बसपा लिखा होगा, बसपा को समर्थन कर रही है। भाई ये उल्टी सीधी जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये गलत है।
भीम आर्मी की खुद की एक पार्टी है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशी राम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कई बार घोषणाएं की लेकिन उधर से हर समय ना का प्रश्न उठता है। साथी है जो इन चीज़ों को समाज में भ्रम के तौर पर रख रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है वो अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करती है, अपनी ही पार्टी को वोट करेगी और अपने ही नेता के प्रति समर्पित रहेगी। ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी आकर आपको बताया था कि कुटुंबकम ऐप के माध्यम से भीम आर्मी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कुछ फर्जी लोगों ने उसको डाला, तब मुझे जानकारी मिली, मुझे मैंने उसका खंडन किया कि कोई भी कार्यकर्ता अपना डाटा किसी को ना दे, ये फर्जी है, ये भीम आर्मी की ओर से ऑथेंटिक नहीं है, ये भीम आर्मी के किसी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी की जानकारी में नहीं है। तब वो रुका, अब फिर पुनः एक षड्यंत्र चला दिया है। तो कोई भी साथी भ्रमित ना हो, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए इन सब घटनाएं भगवान सब घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब के नाम को भी ऐसे लोग बदनाम करते हैं, साहब काशीराम साहब के नाम को बदनाम करते हैं, मूवमेंट को बदनाम करते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मूवमेंट को संभालने के बाद ना जाने अलग अलग प्रदेशों में भीम आर्मी के नाम से बहुत सारे लोगों ने संस्थाओं का क्या बताते हैं मुझे कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने ये कराया, हमने वो कराया, यूपी में भी कराया बताते हैं उस साथी कि हमने कराया। तो हमारा उनसे एक ही सवाल रहता है, भाई चलिए आपने ये तो करा लिया लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई और उनकी टीम जैसा वर्क करती है, ऐसे लोग कहाँ से लाओगे, ऐसा काम करने वाले लोग कहाँ से लाओगे। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमने संगठन रजिस्टर्ड करा लिया, अलग अलग प्रदेशों के लोग कहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। मैंने जैसे भी आपको बताया कि जब साहब काशीराम साहब काम करते थे, अपने सिद्धांतों पर अड़ी लाकर काम करते थे और सरकार मनुवादी व्यवस्था उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, उनको रोक नहीं पा रही थी, तो उस व्यवस्था ने हमारे ही बीच के कुछ गद्दार लोगों को तैयार किया था। आज सेम कंडीशन वही है कि जब ये मनुवादी व्यवस्था हमें नहीं रोक पा रही है काम करने से, हमें अपने सिद्धांतों पर चलने से नहीं रोक पा रही है, तो ये हमारे ही कुछ साथियों को इकट्ठा करके हम पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सब साथी जो है इस लाइव को दूर तक फैलाएं, जो लोगों जो ऐसे लोग हैं जो गलत भ्रम फैला रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भीम आर्मी की स्वयं की एक पार्टी है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, सैद्धांतिक पार्टी के साथ साथ खड़ा है, अपने मिशन मूवमेंट के साथ खड़ा है, और ऐसे किसी भी गद्दार को नहीं बख्शा जाएगा जो बदनाम करने का प्रयास करेगा, ये कैसे करेगा। तो मैं पुनः साथियों आपको बता दूं, जो न्यूज सुबह से फ्लैश हो रही है वो फर्जी है। कोई न्यूज अगर आएगी तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसकी घोषणा करेंगे या फिर भीम आर्मी के द्वारा हमारे द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी, तब वो कोई सूचना सत्य हो सकती है, वरना ऐसे बदनाम करने वाले लोग जो हैं बहुत सारे लगातार घूम रहे हैं। मेरा आपसे बस पुनः एक और निवेदन है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि नेशनल मीडिया हमारा नहीं है, हमें अपनी बात रखने का कोई संसाधन है तो उसका नाम है सोशल मीडिया। तो आपसे निवेदन है, आप सभी साथी इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक फैलाने का काम करें, जिससे कि ये प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक साथी के पास पहुंच जाए। अब मेरा मैसेज उन साथियों को भी है जो है तो कहीं ना कहीं हमारे ही लोग समाज के हैं लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखो भाई, आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने में समय अपना कम व्यर्थ करो, हो सकता है तो उनकी तरह काम करने का प्रयास आप करें। अगर आप उनसे ज्यादा काम कर पाते हैं तो समाज जो शोषित वंचित समाज है ये आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और अगर आप उनके जैसा काम नहीं कर पाते, सिर्फ सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें लिख करके उनको बदनाम कर देना चाहते हैं, तो भाई समझ लीजिए ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसको बदनाम नहीं किया जा सकता। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरी ईमानदारी से भीम आर्मी की टीम, आजाद समाज पार्टी काशीराम की टीम,
पूरी ईमानदारी से काम को कर रही हैं, समाज के लिए कर रही हैं, और जब तक हमारे शरीर में लहू का एक एक कतरा है तब तक समाज के लिए हम इसी मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। बदनाम करने वालों से हमें पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही आज कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज जिसको 85% कहते हैं ये आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा है, और हम समाज की लड़ाई निरंतर सड़कों पर लड़ते रहेंगे। जैसे भाई अभी चंद्रशेखर आजाद जी भोपाल गए थे, उससे पहले हरियाणा गए थे, तो ये लड़ाई जो चल रही है ये लगातार ऐसी चलती रहेगी, इसको रोका नहीं जाए। साथियों लाइव वीडियो को शेयर कर दें, ये उन लोगों तक भी जरूर पहुँचाना चाहिए जो भ्रम फैला रहे हैं, उनके दिमाग में भी चल जाना चाहिए कि भीम आर्मी के इतने सारे कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के वो कार्यकर्ता जो सैद्धांतिक है, जो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो माननीय साहब का श्रीराम साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं, जो जो बहुजन विचारधारा पर अड़िग रहना चाहते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता इसको शेयर करें, मजबूती के साथ शेयर करें। साथियों जय भीम, जय भीम आर्मी, जय जाट समाज पार्टी का श्रीराम, जय संविधान।